सरमायादारी की इनायत की वजह से हासिल हुई थी, जब दुनिया में सरमायादारी ने अपने पांव जमाए तब से जमहूरियत का मसला भी खड़ा हो गया। फिर आगे बढ़ते बढ़ते जमहूरियत के सरमायादारी के अंदर मैनिपुलेशन बढ़ती गई और उसके अंदर जो है वो कार्टलाइजेशन बढ़ती गई, तो इसीलिए मैनिपुलेशन और कार्टलाइजेशन की जरूरत इलेक्शन में पड़ती रही। ये हम बहुत गरीब मुल्क हैं, हमारा जो हर कुमार में नहीं है, वहां तो अमेरिका कहता है कि हमारे इलेक्शन में रूस ने चोरी कर ली है, तो हम वहां क्या जाकर जवाब देंगे। तो इलेक्शन चोरी होना एक और मसला है, यानी कि एक आलमी मसला है, पाकिस्तान का मसला नहीं है। अगर प्यूटन की इतनी सलाहियत कार है कि वो अमेरिका के इलेक्शन चोरी करके और डोनाल्ड ट्रंप को जितवा दें, तो फिर एक बड़ा संगीन मसला है। हम जैसे गरीब लोगों के लिए वही तरह के कार्ड ठीक ठाक लिस्टों पर जाएं और मैनुअल जाकर करें, या आरटीएस बैठ जाता है और अगर इनका ये इलेक्ट्रॉनिक मशीनों वाला सिस्टम भी बैठ गया तो फिर कौम रुल गई ना। और उनको आरटीएस के नतीजे में उन्होंने कहा जी इमरान खान जीत गए हैं, सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो जीत गए हैं, लोग रोते फिर रहे थे और जो पोलिंग एजेंट थे वो बाहर खड़े हुए थे, हमें पता नहीं है रिजल्ट का, और उनको रिजल्ट की कापियां भी नहीं दी गई। तो अब क्या होगा, आरटीएस देख लिया हमने, अब आगे क्या होता है, कौन सी चीज आती है इलेक्ट्रॉनिक मशीन के बारे में माहिरीन अभी तक कोई ऐसी बात नहीं कर पा रहे हैं कि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी या ये बिल्कुल ऐसा होगा कि शफाफियत जो है वो वाजे हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि अभी तक कोई ऐसी चीज इजाद नहीं हुई है। अगर जमहूरियत शफाफ हो सकती है, एक तो जमहूरियत एक तबके की जमहूरियत होती है, एक खास क्लास की जमहूरियत होती है, और इसको एक जमाने में बोर्जवाजी डेमोक्रेसी कहा जाता था, ये उस तबके के मफाद के लिए होती है। एक करप्ट सरमायादार माशरे के लोगों के मफाद के लिए एक जमहूरियत है जो राय जाए और जिस पर चाहे वो जिस तरह से मैनिपुलेट कर लें।